नमस्कार, भोजपुरी सिनेमा के सफर में आज हमारे साथ मेहमान हैं दिव्या द्विवेदी। दिव्या द्विवेदी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। पिछले दो दशक से भोजपुरी और भोजपुरी के साथ ही साथ हिंदुस्तान की कई जुबानों में फिल्में कर रही हैं। दिव्या जी, हमारे शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, थैंक यू। दो दशक हो गए आपको इस इंडस्ट्री में, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हुए। दो दशक सुन के लगता है कि बाप रे, इतने साल। लगभग मुझे लगता है कि आपने 2000 पहली फिल्म भोजपुरी की आपकी कब आई थी? आई थिंक 2001 के आसपास में सबसे पहली जो मेरी भोजपुरी फिल्म थी वो थी गंगा जैसन पावन पिरतिया हमार, जिसको गोविंद मुनीस जी ने डायरेक्ट किया था जी। और उसमें रवि किशन हीरो थे, वो मेरी पहली भोजपुरी। आपको गोविंद मुनीस जी के बारे में पता है कि उनकी सुपर डुपर हिट फिल्म कौन थी? जी नाम आप बोल दीजिए, बड़ा लंबा नाम है। बहुत छोटा नाम है, बहुत प्यारा नाम है। नदिया के पार के निर्देशक थे गोविंद मुनीस, और उन्होंने आपको लिया 2001 में। और एक खास बात कि नदिया के पार उन्होंने डायरेक्ट की थी, और उस फिल्म की जो हीरोइन थी साधना जी, ये उन्हीं की फिल्म थी जो मैंने किया 2000-2001 में। उन्हीं की मतलब वो प्रोड्यूसर थी? जी प्रोड्यूसर थी, और उन्होंने उसमें अभिनय भी किया है। जी जी, तो 2001 से आपकी जर्नी शुरू हुई, उस समय जब भोजपुरी फिल्में बननी लगभग बंद हो गई थी। अच्छा। क्योंकि उसके बाद जो जिस दौर की बातचीत करने के लिए हम बैठे हैं, उसके बाद ये दौर शुरू होता है। 2002 में रवि किशन की फिल्म आई सैया हमार, उसके बाद सैया से कर दे मिलनवा हेरा, मनोज तिवारी की फिल्म आती है ससुरा बड़ा पैसा वाला, उसके बाद ये दौर चल पड़ता है। तो इस दौर के शुरू होने के पहले आप शुरू हो चुकी थी, और आज 2017 का अंत हो रहा है, 2017 आ गया, 17 साल में आपने भोजपुरी सिनेमा को कैसे महसूस किया? मैं पहला सवाल आपसे पूछता हूँ, चूंकि आप महिला हैं, कि भोजपुरी सिनेमा में महिलाओं की क्या स्थिति है? जी इन 17 सालों का एक्सपीरियंस आप मुझसे पूछेंगे तो देखिए, इन 17 सालों में मैंने कई भाषाओं की फिल्में की है, जिसमें से भोजपुरी भी की है। भोजपुरी इज़ माई मदर टंग, मेरी मातृभाषा है, और इसमें जो मैंने अनुभव किया है महिलाओं की जो स्थिति है, मैं उस पर कुछ नहीं कहना चाहूँगी, बट मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि भोजपुरी भाषा, भोजपुरी कल्चर एक बहुत सुंदर भाषा है, बहुत सुंदर कल्चर है, और इसको जिस रूप में ये जिस दशक की हम बात कर रहे हैं और दिखाने की कोशिश की गई है या पेश करने की कोशिश की गई है, एक्चुअली वो हमारा कल्चर है ही नहीं। तो मुझे लगता है कि फिल्म मेकिंग और कहानी, इन चीज़ों पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। हमारा भोजपुरी मार्केट, लोग हम पर सॉरी कहना नहीं चाहिए बट मैंने सुना है, खुद महसूस किया है, फेस किया है, हंसते हैं, अरे दिव्या द्विवेदी वो भोजपुरी वाली, कई लोगों ने मुझे अपनी हिंदी फिल्मों में लिया नहीं इसकी वजह से, जो ऐसा लगा जैसे मैंने कोई क्राइम कर दिया, गुनाह कर दिया। अरे सुंदर भाषा है, मैंने गिनी चुनी बहुत सारी फिल्में की हैं, अच्छी फिल्में की हैं। आप तो बता रहे हैं आपने कई भाषाओं की फिल्मों में काम किया है, तो लोग आपको लेते हैं, आपने काम किया है। लेकिन वो सब बोलते हैं ना कि मतलब एक कहावत है कि एक जो आलू सड़ जाता है तो पूरे आलू को सड़ा देता है। लोगों ने ऐसा मतलब व्यवहार किया कि अरे वो भोजपुरी फिल्में करती है, नहीं 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 वो हिंदी में नहीं, जबकि मैंने हिंदी भी अगर आप गिनेंगे तो कम से कम 20-25-30-35 हिंदी फिल्में भी मैंने की है, और 15-20 हिंदी सीरियल्स भी किए हैं मैंने। उसके बावजूद भी वो सब पीछे, और दिव्या द्विवेदी ने भोजपुरी फिल्म किया तो क्राइम कर दिया। मैंने सुंदर फिल्में की है भोजपुरी, मेरी उठा के देखी गंगा जैसन पावन प्रीतिया हमार, ए बबुनी भी मैंने की है, उसमें भी साधना सिंह जी थी, हम दोनों ने दो फिल्मों में साथ किया। उसके बाद तुहार नेखे कोनो जोड़ तू बेजोड़ बारू, वो फिल्म आई थिंक नॉमिनेट भी हुई थी 2009-10 में रिलीज हुई थी, आई गेस ये बाईलैंग्वल दो भाषाओं में बनी थी, तेलुगु एंड भोजपुरी। उसके बाद और भी बहुत सारी फिल्में हैं जो मैंने की। तो स्थिति हीरोइनों की क्या कहूँ, मैं तो ये कहूँगी कि फिल्मों की जो स्थिति हो गई है वो नहीं होनी चाहिए, और ये बाहर के लोग आके नहीं करेंगे, हमको और आपको ही करना होगा, हमको और आपको ही क्रांति लानी होगी। कहाँ शिकायत है, किस लेवल पर शिकायत है आपको? यही कि
लोग जो मेकिंग जो है, लोग जैसे अभी कहते हैं हमारे इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री में कहते हैं, हमें तो पता भी नहीं था जब मैं फिल्म लाइन में आई थी कि ए ग्रेड होता है, बी ग्रेड होता है, सी ग्रेड होता है, डी ग्रेड भी होता है. तो लोगों ने बोलते हैं अरे बड़े लो लेवल में फिल्में बनाते हैं, बड़ा गंदा गंदा गाना डाल देते हैं, डबल मीनिंग, बहुत गंदे तरीके से पिक्चराइज करते हैं. तो ये सब सुनने को मिला है मुझे. आपने किस किस ग्रेड की फिल्मों में काम किया है? मुझे पता ही नहीं, एक एक्टर के लिए कोई ग्रेड ही नहीं होता है पहली बार. नहीं, वो तो बिल्कुल सही, लेकिन सेंसर बोर्ड के लिए ग्रेड, ये तो लोग कहते हैं सेंसर बोर्ड के लिए तो ग्रेड होता है, वो देते हैं. अगर इस तरह से पूछेंगे तो मैंने ए ग्रेड की फिल्में की है, बी ग्रेड की फिल्में भी की है जिसमें स्टार्स नहीं है, उसको लोग बी ग्रेड में कहते हैं. जी जी. तो बाकी एक एक्टर के लिए तो कोई ग्रेड नहीं होता. हम एक एक्टर है, हमें जहाँ प्यार मोहब्बत से और अच्छा रोल ऑफर होता है हम कर लेते हैं बस. कैसी आपकी जर्नी कैसी रही, मतलब ये आपने कितनी फिल्में भोजपुरी में की होंगी? जी कम से कम होगी, अगर मैं गिनूंगी तो करीब करीब 25-30. 25-30, 17 साल में 25-30 फिल्में आपने की, संख्या फिल्मों की कम नहीं है. ठीक है जी. और अभी कम से कम 2 दर्जन अभिनेत्रियां हैं, एक्टिव हैं, और आप भोजपुरी फिल्मों में अभी भी आपको लगता है कि ठीक है पूरी तरह, जो बाकी हीरोइनें जिस ढंग से काम कर रही हैं, जो बजट मिला स्थापित हैं, आप नहीं हैं, तो कहाँ कमी लगती है? ये कमी आपकी ओर से है, इंडस्ट्री कहाँ, प्रॉब्लम कहाँ है? सॉरी आप सवाल एक बार फिर से मुझे कहिए. सवाल ये बोल रहा हूँ कि 25 फिल्में, 17 साल हो गया, फिल्मों की संख्या कम नहीं है जी. तो कहाँ लगता है कि जिस ढंग से कुछ अभिनेत्रियों ने दमदार उपस्थिति दी है वो उपस्थिति नहीं है, या लोग आपको उस ढंग से उस प्लेटफॉर्म पर नहीं देख रहे हैं? देखिए इसके विषय में एक बातें नहीं है, मैं कहूँ तो क्या कहूँ. अभी जैसे बीच में ऐसा सिलसिला चल पड़ा था भोजपुरी फिल्मों का कि जो हीरो होते हैं वो अपनी हीरोइन लेके आते हैं, या जो हीरो हैं उनकी गर्लफ्रेंड है या जो भी है, उनका रिलेटिव्स है, फ्रेंड है, जो भी है, मतलब वो अपनी हीरोइन लेके आते हैं. मेरा नाम पिछले में 1.5-2 दशक से जो आप कह रहे हैं मैं हूँ, कभी आज तक किसी के साथ नहीं जुड़ा, भविष्य का पता नहीं मुझे. तो मुझे बहुत कम फिल्में मिली, और मतलब भोजपुरी में कम नहीं, मतलब जो मिली इतनी ही मिली. मतलब जिन लोगों ने मुझे बुलाया, सिर्फ इसीलिए बुलाया, सिर्फ एक वजह से मुझे बुलाया. एक तो मैं, सबसे पहली बात कि मुझे इस भाषा का ज्ञान है, ये मेरी मातृभाषा है, और मैं इस भाषा को बहुत अच्छे से बोल सकती हूँ, लिख सकती हूँ, और अभिनय कर सकती हूँ इस भाषा में. इसकी वजह से मुझे लिया गया. प्लस थोड़े बहुत लोगों ने इसलिए लिया कि अरे हिंदी की आर्टिस्ट है, हिंदी फिल्में कर रही है, अच्छा है ले लो. तो इस तरह से मुझे फिल्में मिली और मैं करती चली गई. जहाँ तक भाषा के बिल्कुल ज्ञान होना चाहिए जिस भाषा में काम कर रहे हैं, कुछ ऐसी अभिनेत्रियाँ आईं जो इस भाषा की नहीं थीं और उन्होंने बहुत अच्छी फिल्में, जैसे रिंकू घोष का नाम मैं कहता हूँ, रिंकू घोष ने बहुत अच्छी फिल्में दी. बहुत अच्छी इंसान है, बहुत अच्छी अभिनेत्री है, मैंने उनके साथ भी काम किया है. हम दोनों ने एक हिंदी फिल्म साथ में काम की थी, चालाक, उसको जिसको डायरेक्ट किया था राज सिप्पी जी ने, डड्डू जी ने. और एक भोजपुरी फिल्म हम लोगों ने साथ में की थी, सात सहेलियां, राजकुमार पांडे जी वाली फिल्म. जी. क्या किरदार था आपका वहाँ? तो सात सात हीरोइन थी. सात तो हीरोइन ने देखा जाए तो दरअसल एक ही किरदार को निभा रही थी, कि उसमें से बस वन ऑफ द लीड कहिए, जो भी कहिए, एक ही किरदार को हम लोग निभा रहे हैं. और हम लोग एक मिशन पे आते हैं, और उस अपना हमारा प्रोफेशन कुछ और है, और उस मिशन पे आते हैं और उसमें कामयाब होते हैं, और सातों को एक ही हीरो से प्यार हो जाता है. ऐसी कहानी थी. अभी क्या चल रहा है भोजपुरी में, अभी क्या कर रहे हैं आप? अभी भोजपुरी में मेरे पास सच कहूँ तो कोई फिल्म नहीं है. अभी एक फिल्म के लिए बात चल रही है, लेट्स सी. उन्होंने कहा है कि बहुत सुंदर फिल्म बनाने वाले हैं जिनसे बात चल रही है, पारिवारिक फिल्म बनने वाली है. हाँ, हिंदी मैंने अभी एक फिल्म की है, डायरेक्टेड बाय लेट श्री लेट टंडन जी, फिर उसी मोड़ पर, जो अभी रिलीज नहीं हुई है. और उनके साथ मैंने इससे पहले 2 TV सीरियल भी किया था जो दिल्ली दूरदर्शन पर टेलीकास्ट हुआ था, मेन लीड किया था. एक सीरियल था बिखरी आस निखरी प्रीत, मैं अब तक का अपना दी बेस्ट परफॉर्मेंस मानती हूँ लेक टंडन जी के डायरेक्शन में. और दूसरा उन्हीं का सीरियल था जो उन्हीं की कहानी थी, एक आंगन के हो गए. तो ये बड़ा सुंदर सफ़र रहा उनके साथ काम करके. और आज उनकी आखिरी फिल्म है
थी फिर उसी मोड पर जिसमें मैंने काम किया, उनके अंतिम समय उनके दर्शन हुए, उनकी ब्लेसिंग्स मिली और आज वो हम सबके बीच में नहीं है, लेकिन उनको बहुत बहुत दिल से नमन है, वो हमेशा हमारे बीच में रहेंगे क्योंकि उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है मेरे करियरग्राफ में। चलिए दिव्या जी, आप भोजपुरी फिल्मों पर आपने बात की और बहुत असंतुष्ट हैं, और एक बहुत बड़ी बात आपने कही कि हीरोइनों को काम मिलने के लिए जरूरी है कि हीरो की वो गर्लफ्रेंड हो, उनके करीबी, उनके रिश्ते हो, इज इट? मैं ऐसा नहीं कहूंगी, बल्कि मैंने ये कहा कि जो अभी तक ऐसा जो हुआ है, अभी तो भोजपुरी फिल्में बहुत बन ही नहीं रही है, फिर से मार सुन रही हूँ, मार्केट गिर गया है, कोई बना नहीं रहा है। नहीं, फिल्में बन रही हैं, बन रही है, बहुत अच्छी बात है, मुझे भी काम मिलना चाहिए। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि किसी हीरो की गर्लफ्रेंड होना जरूरी है, ये होना है। अब तक ऐसा हुआ है जो मुझे सुनने को मिला, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, मैं ये नहीं कहती मैं आज तक किसी की गर्लफ्रेंड नहीं बनी, मतलब मैं तो काम कर रही हूँ। गर्लफ्रेंड बनना बुरी बात है? बिल्कुल बुरी बात नहीं है, लेकिन जी ये चीज गलत लगती है कि जब आप कोई भी फिल्म करते हो और सामने से आपको प्रोड्यूसर डायरेक्टर ये कहता है कि हम क्या करें भाई, हमारी भी मजबूरी है, हीरो आता है तो वो अपनी हीरोइन लेके आता है, कहता है कि हमारे साथ वो काम करेंगे, तो हम क्या करें, हमारी भी मजबूरी है, तो ये सुन के हमें दुख होता है, फिर हम कहाँ जाएंगे। अच्छा, अपनी इंडस्ट्री पर, हालांकि दूसरी इंडस्ट्री पर भी हुआ, कई बार कास्टिंग काउच और इस ढंग की चीजों के आरोप लगते रहे हैं, ऐसा कोई एक्सपीरियंस है, ऐसा सुना आपने, इस ढंग की बातें हैं अपने यहाँ? देखिए, मैं इस पर सिर्फ इतना कहूँगी कि अपनी जो फिल्म इंडस्ट्री है वो बहुत अच्छी है, अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, नॉट ओनली इन द फिल्म इंडस्ट्री, आप किसी भी इंडस्ट्री में जाइए, किसी भी फील्ड में जाइए, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपनी जिंदगी, ये आपकी जिंदगी है, ये आपका शरीर है, ये आपकी सोच है, आप अपने आप को किस तरह से लीड करना चाहते हैं, कैसे काम करना चाहते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। हमारी इंडस्ट्री तो इनफैक्ट बहुत अच्छी है, ओपन है, यहाँ पे मतलब टच और कुछ एक किस्से सुने हैं हमने न्यूज में, बट यहाँ पे कोई किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करता है हमारी फिल्म इंडस्ट्री में, जहाँ तक मुझे मालूम है इतने सालों का एक्सपीरियंस। चलिए, हम आप बहुत, आपने हिंदी में या दूसरी भाषाओं की फिल्मों में काम किया है और बड़े बोल्ड किरदार भी आपने निभाए हैं फिल्म की कहानी के हिसाब से, उन पर भी बात करेंगे, लेकिन हम चलते हैं वहाँ जब आप स्टार्ट कर रही थी कैरियर, थिएटर में काम करती थी, रेडियो में जाती थी, तब आप कविताएं भी करती थी, कोई अपनी कविता आप शेयर करना चाहेंगी, याद है कुछ तो? जी याद तो है। कैसी कविताएं लिखती थी, रोमांटिक? मैंने हर तरह की कविताएं लिखी हैं, मतलब सैड भी है, रोमांटिक भी है, जैसे चार लाइन एक सुनाऊंगी, थोड़ा रोमांटिक है जी जी, सिर्फ चार ही लाइन सुनाऊंगी। अर्ज किया है इरशाद जी जी। ओके, घूंघट में छुपाया है अपना चेहरा, घूंघट में छुपाया है अपना चेहरा, कुछ इस अंदाज में कि हर नजर उठे मेरी तरफ मेरे दीदार में। वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत। वैसे मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरी जो सबसे पहली कविता थी जब मैंने लिखा था, सब रिवील हो जाएगी, मेरी टॉप सीक्रेट बातें हैं इस कविता में, नाइन्थ स्टैंडर्ड में जब मैं पढ़ती थी तब मैंने लिखा था दोस्त और दोस्ती, आप कहिए तो सुना देती हूँ। जी सुनाइए। दोस्ती हुई तो मैं ये समझी दोस्त क्या चीज है, जिगर से भी प्यारा उस नायक की तस्वीर है, जिसे मिली कोई महबूबा और उसे उसका महबूब, दुनिया वाले जान गए वाह हुआ क्या खूब। वे सोचे ना समझे करने लगे शोर, मुझे लगा जैसे मैं हूँ कोई चोर, मैंने मन को लाख मनाया, मन ये मेरा समझ न पाया, चाह कर भी दुनिया को कुछ न समझा पाया, मंजिल पर चलते ही गई दुनिया को इसकी खबर कहाँ, मुझे इन वादियों से क्या लेना, मुझे तो है सिर्फ मंजिल पाना, यही सोच कर बढ़ती गई, रास्ते में कोई हलचल नहीं है, दोस्ती हुई तो मैं ये समझी दोस्त क्या चीज है, जीवन में मुझे वो राह मिली जिसका मुझे इंतजार था, लेकिन उसमें कांटे थे यही तो मेरा दुर्भाग्य था, फिर भी दोस्त तो दोस्त ही था इसमें कोई शक नहीं है, जिगर से भी प्यारा उस नायक की तस्वीर। तो कैसा लगा आपको ये इंटरव्यू, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल द बायोस्कोप।